चरखी दादरी में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले बलिदान स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई, जिसमें वे सभी प्रक्रियाएं अपनाएगी जिनको स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर किया जाना है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान चरखी दादरी उपायुक्त प्रदीप गोदारा और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सबसे पहले चरखी दादरी के रोज गार्डन स्थित शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसके पश्चात चरखी दादरी के बलिदान स्टेडियम में पहुंच उनके द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा ध्वजारोहण की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान चरखी दादरी उपायुक्त के द्वारा परेड में शामिल होने वाली पुलिस व एनसीसी की टुकड़ियों का निरीक्षण भी किया गया, तो वहीं पुलिस और एनसीसी के जवानों के द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे चरखी दादरी उपायुक्त प्रदीप गोदारा को मार्च पास्ट करते हुए सलामी भी दी गई। इस मौके पर चरखी दादरी के स्कूली बच्चों के द्वारा पीटी डंबल और लेजियम शो का बड़ा शानदार प्रदर्शन किया गया, तो साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह पर किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद चरखी दादरी उपायुक्त प्रदीप गोदारा के द्वारा बताया गया कि आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है और यह देखा गया है कि कहां कहां पर कमियां हैं। उन्होंने बताया कि उनको कुछ जगह कमियां नजर आई हैं और उनको सुधारने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर किसी तरह की कोई गलती ना हो। रिहर्सल आज फुल रिहर्सल हुई है और माननीय मंत्री श्री कंवरपाल जी, शिक्षा मंत्री 15 अगस्त को आएंगे, उसके हिसाब से बच्चों ने अच्छी तैयारी की है और कुछ गैप्स हैं वो बता दिए गए हैं, उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और इसके सिवा प्रोटोकॉल का, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जैसे कुछ लोगों में आज मास्क वगैरह नहीं पहने हुए थे, तो ये आदेश दिए गए कि तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। और 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस पूरी उत्साह से और बड़ी मोटिवेशन के साथ मनाया जाएगा। जिला प्रशासन जी सर, कुछ कमियां भी देखने को मिली हैं जिनके बारे में अभी कुछ बताया गया हो? कुछ गैप्स हैं, जैसे मैंने बताया कोविड प्रोटोकॉल का भी थोड़ा सा, कई लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, राइट। कुछ टुकड़ियों की परेड इतनी अच्छी नहीं थी और थोड़ा सा ट्रिम भी करेंगे इसका, एक आधा आइटम भी निकालने का हमने डिस्कशन किया इसमें, थोड़ा ये लंबा हो गया कल्चर प्रोग्राम की वजह से, और शायद पीटी के बच्चों को करके वापस भेज दिया जाएगा। छोटी छोटी बातों में भी डिस्कशन हो रहा है, इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। सर ग्राउंड में जो काफ़ी कंकर और कुछ शायद थोड़ा सा मिट्टी उड़ रही है, इसके रोलिंग के लिए और पानी के आदेश दे दिए गए हैं, तो दो दिन पानी छिड़के में रोलिंग होगी तो ग्राउंड ठीक हो जाएगा। और फिर कारपेटिंग भी होगी, कारपेट बिछे जाएंगे।